तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी जोन GSK में। दोस्तों हम लोग BMW या VW का स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने इस सिलेबस के 6 चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 7 बियरिंग है, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे BMW सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, क्योंकि इस चैप्टर में ओवरऑल 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही 2 टॉपिक को बियरिंग, ठीक है, और बियरिंग के प्रकार, इन दोनों टॉपिक को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही समझ लिया है। आज हम समझने वाले हैं चैप्टर टॉपिक नंबर 3, जो कि हमारा है विशिष्ट बियरिंग यानी कि स्पेशल बियरिंग जिसका नाम है। और हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो दोस्तों, क्योंकि आप ही का फायदा होने वाला है। और बेल आइकन को दबाने से यह आपका फायदा होगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका बहुत ही, जब तक आप डिप्लोमा ठीक है कर रहे हो, आपका हमेशा आपसे आपका इस चैनल से जुड़े रहने का फायदा ही होता रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन और आपसे सेमेस्टर वाइज, ठीक है, जो भी चीज़ें आपका सिलेबस हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहने से बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों आपसे फिर एक बार प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना जब मेहनत कर किया जा रहा है यार, तो तुम इतना बस कर सकते हो कि आप बस सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन में दबा लो, बस आप इतना कर दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए। और थोड़ा सा और हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दोगे तो और बेटर रहेगा, वीडियो को लाइक कर दो तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बस इतना था। तो हम लोग आज हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 3 मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 हमारा है विशिष्ट बियरिंग। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले विशिष्ट बियरिंग, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट बियरिंग क्या होता है, यानी कि जैसे इंग्लिश में स्पेशल बियरिंग बोला जाता है। तो आप देखिए विशिष्ट बियरिंग 5 प्रकार का था। पहला फिलिंग नाच गोली बियरिंग, दूसरा डबल रो गोली बियरिंग, तीसरा स्वतः संरेखण गोली बियरिंग, और चौथा है गोली रोलर बियरिंग, ठीक है, और पांचवा नीडल रोलर बियरिंग। ठीक है, तो इन 5ों बियरिंग को हम लोग इसी इसी वीडियो में, ठीक है, कवर कर लेंगे, जैसे कि आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमारा चौथा टॉपिक जो है जनरल बियरिंग या रेडियल साधारण बियरिंग, ठीक है, इनके बारे में हम लोग चौथे टॉपिक में समझेंगे, जिसमें 4 प्रकार के टॉपिक आते थे। पहला था सिंपल सॉलिड बियरिंग, और यहाँ पे आपका बी है बुश बियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ओवरऑल 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोग 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और, ठीक है, दो टॉपिक बचे हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 से। ठीक है, विशिष्ट बियरिंग को चलिए समझते हैं, 5 प्रकार के हैं तो 1 बाय 1 करके सबको समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विशिष्ट बियरिंग के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के 5 प्रकार के हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा टॉपिक नंबर 4, ठीक है, टॉपिक नंबर 3, जैसा कि आपको दिख रहा है विशिष्ट बियरिंग यानी कि स्पेशल बियरिंग से बोला जाता है इंग्लिश में। इनको हम लोग समझते हैं, इसमें 5 प्रकार के आपके टॉपिक आते थे, पॉइंट आ रहा है 5 प्रकार के थे। तो पहला हमारा था यहाँ पे देखिए, चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं विशिष्ट बियरिंग में। विशिष्ट बियरिंग में 5 प्रकार के बियरिंग आते हैं, तो 1 बाय 1 करके सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका लिखा है, पहला है फीलिंग नाच। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग फीलिंग नाच को समझते हैं भाई कि फीलिंग नाच होता क्या है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया, पहले ऊपर कुछ लिखा गया उसको समझ लीजिए, लिखा है पीछे बताई गई सामान्य बियरिंग के अतिरिक्त तो कुछ विशिष्ट बियरिंग भी होती हैं। ठीक है, देखिए सामान्य बियरिंग हम लोग पीछे जो पढ़े हैं चीजें, पहला हमारा बियरिंग था, उसके बाद बियरिंग के प्रकार संपर्क के आधार पर था, ठीक है, उसके बाद सिंपल बियरिंग था। तो यहाँ पे हम जो भी बियरिंग थे पीछे हम लोग समझते हैं, और सामान्य बियरिंग के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट बियरिंग भी होती है। ठीक है, तो विशिष्ट बियरिंग ये रहा हमारा फीलिंग नाच हो गया। ठीक, जिनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है कुछ विशिष्ट बियरिंग इन प्रकार है। पहला फीलिंग नाच बियरिंग, ठीक है, फीलिंग नाच गोली बियरिंग कौन सा बियरिंग है भाई? फीलिंग नाच गोली बियरिंग जो है वो कौन सा बियरिंग है? तो फीलिंग नाच गोली बियरिंग आपका विशिष्ट यानी कि स्पेशल बियरिंग होता है। ठीक है, तो आप देखिए दिया है, आप इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है चित्र 7.17 के अनुसार। ठीक है, यानी कि 7.17 के अनुसार यहाँ पे देखिए चित्र आपका दे रखा है फीलिंग नाच गोली बियरिंग का। ठीक, इसमें अंतः तथा बाह्य चक्रियों में नाच होती है। ठीक है, इसमें अंतः और बाह्य चक्रियों, अंदर की चक्रियां होती है और बाह्य चक्रियां होती है। ठीक है, उनमें क्या होती है? नाच होती है। ठीक है, आप देखिए नाच है ना, अंतः चक्रिय बाह्य की चक्रिय में क्या होती है? नाच होती है, जिसमें से होते हुए सामान्य बियरिंग की अपेक्षा चक्रियों को केंद्रीय कर देने के पश्चात व्यतिरिक्त गोलियां डाली जा सकती हैं। ठीक,
अधिक गोलियां होने के कारण यह बियरिंग सामान्य की अपेक्षा अधिक भार वहन कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा है आपका यहाँ पे, देखिए क्या है आपका, ये रहा फीलिंग नाच गोली बियरिंग। ठीक है, फीलिंग नाच गोली बियरिंग आप देखोगे ट्रैक्टर में होता है। ठीक है, आप लोग बहुत जगह फीलिंग नाच गोली बियरिंग को आप लोग देख सकते हो, उसमें छल्ले छोटे छोटे लगे होते हैं, साइकिल में भी होता है तो छोटा सा होता है, वही तो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे वही वही लिखा है, इसमें अंततः नाच चक्रियों में नाच होती है। ठीक है, अंततः बाहर चक्रियों में क्या होती है, नाच होती है, जिसमें से होते हुए सामान्य बियरिंग की अपेक्षा चक्रियों को केंद्रीय कर देने के पश्चात भी अतिरिक्त गोलियां, ठीक है, डाली जा सकती हैं। तो इसमें सिंपल आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, सिंपल आपको फीलिंग नाच में, ठीक है, लिख लेना है कि फीलिंग नाच, ठीक है, फीलिंग नाच बियरिंग में अंतर तथा बाहर चक्रियों में नाच होती है, जिसमें से होते हुए सामान्य बियरिंग की अपेक्षा चक्रियों की को केंद्रीय कर देने के पश्चात भी अतिरिक्त गोलियां डाली जा सकती हैं। ठीक, आप उसके बाद इसको एक पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट करके लिखना, पॉइंट करके लिखने बहुत बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट करके लिखना, अधिक गोलियां होने के कारण यह बियरिंग सामान की अपेक्षा अधिक भार वहन कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो फिगर है, सिंपल फिगर, आप फिगर को इसको बना लेना है फीलिंग नाच बियरिंग को। ठीक है, चलिए हम लोग हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या था हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो विशिष्ट हम लोग स्पेशल बियरिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई। स्पेशल बियरिंग में हम लोग फीलिंग नाच गोल बियरिंग को देख लिए, और हमारा दूसरा है डबल रो बियरिंग। ठीक है, डबल रो गोली बियरिंग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि डबल रो गोली बियरिंग को क्या होता है भाई। ठीक है, तो डबल रो गोली बियरिंग को समझ लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको डबल रो गोलिंग बियरिंग दिख रहा होगा। अब लिखा है चित्र 7.18 के अनुसार, इसमें गोलियों की दो लाइनें होती है। देखिए आप देख सकते हैं फिगर है 7.18 डबल रो गोलिंग बियरिंग का, गोलियों की दो क्या होती है, लाइनें होती है। जो गोली है यहाँ पे दो, इसमें क्या है, लाइनिंग है। ठीक है, लाइनें होती है। इसकी भार क्षमता सिंगल रो वाली दो बियरिंगों से कुछ कम होती है। इसकी जो भार क्षमता जो होती है ना, सिंगल रो वाली दो बियरिंगों से कुछ कम होती है, परंतु यह अपेक्षाकृत कम स्थान घेरता है। ठीक है, डबल रो बियरिंग क्या होता है, कम स्थान घेरता है। ठीक है, इसमें इसमें गोलियों की दो लाइनें होती है। तो आपको पॉइंट 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 करके यही चीज लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। पहला पॉइंट करके लिखोगे इसमें गोलियों की लाइनें होती हैं, पहला, इसकी भार क्षमता सिंगल रो वाली दो बियरिंगों से कुछ कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखो ये अपेक्षाकृत कम स्थान घेरता है। ठीक है, सिंपल है यार, आप सिंपल है, इसका फिगर ही बना सकते हो। ठीक है, फिगर बना लेना, जिसका फिगर संभव हो उसका फिगर मत छोड़ना, क्योंकि फिगर बनाने से प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग स्पेशल बियरिंग की स्टडी कर रहे हैं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग स्पेशल बियरिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपका है स्वतः संरेखण, यानी सेल्फ एलिगनिंग। ठीक है, गोली बियरिंग को हम समझते हैं कि स्वतः संरेखण बियरिंग कौन कौन सा होता है। यहाँ दे रखा है आपको इन बियरिंगों में, ठीक है, क्या दे रखा है, इन बियरिंगों में दो, ठीक है, दो डिग्री से तीन डिग्री तक शाफ्टों की कोणीय विस्थापन की गुंजाइश होती है। चित्र 7.19 और तथा ब में क्रमशः बाह्य तथा आंतरिक स्वतः संरेखण बियरिंग प्रदर्शित की गई है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे दे रखा है आपका बाह्य स्वतः संरेखण बियरिंग की बाह्य चक्री को बाहर की ओर से गोली आकृति में ग्राइंड किया जाता है। यह चक्री इसी आकृति की हाउसिंग में बनाई गई सतह में फिट हो जाती है। आंतरिक स्वतः संरेखण बियरिंग की बाह्य चक्री की अंत सतह गोली आकृति में ग्राइंड होती है। आंतरिक स्वतः संरेखण बियरिंग का यह लाभ है कि यह अन्य प्रकार की बियरिंग के स्थान पर भी लगाई जा सकती है दोस्तों। ठीक, तो स्वतः संरेखण के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं कि स्वतः संरेखण क्या होता है। इसमें लिखना है कि इसमें देखो पहला पॉइंट लिखो, स्वतः संरेखण में इन बियरिंगों में 2 से 3 डिग्री तक शाफ्टों की कोणीय विस्थापन की गुंजाइश होती है। ठीक ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो कि बाह्य स्वतः संरेखण बियरिंग के बाह्य चक्री को बाहर की ओर, ठीक है ना, बाहर की ओर से गोली आकृति में ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह चक्री इसी आकृति की हाउसिंग में बनाई गई सतह में फिट हो जाती है। एक मिनट यार, कुछ मैटर समझ नहीं आ रहा मुझको। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको, देखो पहला पॉइंट करके भी नहीं लिखना इसमें, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल थोड़ा सा लग रहा है आपको। स्वतः संरेखण सेल्फ, ठीक ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एलिगनिंग आपको हेडिंग डालना, स्वतः संरेखण गोली बियरिंग। ठीक है, इसमें आपको इतना लिख देना है, बाहर स्वतः संरेखण बियरिंग की, ठीक है, बाहर चक्री के बाहर की ओर से गोली आकृति में ग्राइंड किया जाता है। चक्री इसी आकृति की हाउसिंग में बनाई गई सतह में फिट हो जाती है। आंतरिक स्वतः संरेखण बियरिंग की बाहर चक्री की अंत सतह गोली आकृति में ग्राइंड होती है।
आंतरिक सतह संरेखण बियरिंग का यह लाभ है कि यह अन्य प्रकार की बियरिंग के स्थान पर लगाई जा सकती है। ठीक, तो यहाँ देखो इसका यहाँ पे इतना जो टोटल दिख रहा है ना आपको, मैं एक चीज पढ़ एक मतलब यही चीज पढ़ा हूँ, आपको एक पूरा लिख देना भाई, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल से थोड़ा सा बड़ा है, आपको फिगर बना लेना है, ठीक है, इतना लिख देना, पॉइंट करके लिखना होगा, यही पॉइंट लिखना कि इन बियरिंगों में 2 से 3 ठीक है डिग्री तक शाफ्टों की कोणीय विस्थापन की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं यार जिनको थोड़ा सा उतना नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग रोलर गोली बियरिंग। ठीक है, गोली बियरिंग को समझते हैं। देखिए भाई मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये स्पेशल बियरिंग के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, स्पेशल बियरिंग के अंतर्गत आता है तो चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा कि मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो स्पेरियल रोलर बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है यह चित्र 7.20 में दिखाई गई है। ठीक है, क्या दिखाई गई है, और एक स्वतः संरेखण, ठीक है, सेल्फ एलिंगेंट के प्रकार की बियरिंग है यह, ये भी के किस प्रकार की बियरिंग है, गोली रोलर बियरिंग सेल्फ है यानी कि स्वतः संरेखण के प्रकार की बियरिंग है यह 1.5 ठीक है 5 डिग्री तक कोणीय असंरेखण की गुंजाइश रखती है, यह थ्रस्ट भार भी सहन कर सकती है, इसमें गोली सतह वाले बेलन या रोलर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको गोली रोलर बियरिंग ठीक है हेडिंग डालना है, पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉइंट करके लिखने से डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, 2-4 पॉइंट हर चीज में लिखना आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखो, इसमें लिखना क्या है तुमको, यह ठीक है, यह 1.5 डिग्री तक कोणीय असंरेखण की गुंजाइश रखती है। कौन सा है, यह बियरिंग यानी कि गोली रोलर बियरिंग जो होती है 1.5 डिग्री तक कोणीय असंरेखण की गुंजाइश रखती है। दूसरा पॉइंट क्या 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 लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे यह थ्रस्ट भार, ठीक है, यानी कि थ्रस्ट लोड भी सहन कर सकती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें गोली सतह वाले बेलन या रोलर प्रयुक्त होते हैं। 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया इसमें से गोली रोलर बियरिंग का फिगर बिजली ईजी है, फिगर को आपको बना लेना है। ठीक है, नीडल रोलर बियरिंग का हम लोग समझेंगे, नीडल रोलर बियरिंग क्या होता है, कहीं पे तुरंत समझ लेते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नीडल रोलर बियरिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इस बियरिंग में कम व्यास एवं अपेक्षाकृत अधिक लंबाई के रोलर सुइयां या नीडल प्रयोग किए जाते हैं, इनमें साधारणतया ठीक है सामान्यता पूर्ण अवकाश में रोलर भर दिए जाते हैं और न तो पिंजरे और न ही रिटेनर की आवश्यकता पड़ती है। यह बियरिंग वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ त्रज्य दिशा में सीमित स्थान हो तथा दोलन गति के साथ उच्च भार लगते हों। इसका सामान्य उपयोग उच्च शक्ति वाले डीजल इंजनों के पिस्टन पिन आदि पर किया जाता है। उपरोक्त अतिरिक्त अन्य भी विशेष प्रयोजन बियरिंग होती हैं, जैसे कोणीय संपर्क एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग, हताय ठीक है हयात रोलर बियरिंग, आरक्षित सील्ड ठीक है, गोली बियरिंग तथा स्नैप रिंग ठीक है, गोली बियरिंग ठीक है आदि। ठीक है, इसमें नीडल रोलर बियरिंग है का विशिष्ट बियरिंग के बारे में समझेंगे, सभी 21 बियरिंग के कटगरी में आते हैं, तो विशिष्ट बियरिंग के कटगरी में आते हैं। तो इसमें आपको सिंपल पॉइंट करके लिखना, पहला पॉइंट लिखोगे इसमें इस बियरिंग में कम व्यास एवं अपेक्षाकृत अधिक लंबाई के रोलर यानी कि सुइयां या नीडल प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, ठीक है दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे इनमें सामान्यतः पूर्ण अवकाश में रोलर भर दिए जाते हैं। इनमें सामान्यतः पूर्ण अवकाश में क्या भर दिया जाता है, लिखो यार, इनमें सामान्यतः पूर्ण अवकाश में रोलर भर दिए जाते हैं और न तो पिंजरे और न ही रिटेनर की आवश्यकता है, न ही पिंजरे की आवश्यकता होती है और न ही रिटेनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे इसका सामान्य उपयोग उच्च शक्ति वाले डीजल इंजनों की पिस्टन पिन आदि पर किया जाता है। कहाँ पे, इनका सामान्य उपयोग यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, सामान्य उपयोग उच्च शक्ति वाले डीजल ठीक है डीजल इंजनों की पिस्टन पिन आदि पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, आप 3 पॉइंट इसमें लिख लोगे, 3 पॉइंट आपके लिए नीडल रोलर बियरिंग, क्योंकि यार बहुत ज्यादा यार थ्योरेटिकल पार्ट है, जब विशिष्ट बियरिंग आ जाएगा आपका, जब विशिष्ट बियरिंग मान लो विशिष्ट बियरिंग आ गया आपको लिखने के लिए, ठीक है स्पेशल बियरिंग के बारे में लिखना, तो आपको 5 प्रकार के बियरिंग पता है, उसमें 4-4 लाइन लिखो, तो सोचो पहले आपका 1 से 2 सॉरी 1.5 से 2 पन्ना आपका इजिली हो जाएगा, थोड़ा सा दूरी बना के लिखोगे, फिगर बना के लिखोगे, आपका 2-2.5 पन्ना हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको थ्योरेटिकल चीज़ें छापने की, ठीक है कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमारा ये यानी कि स्पेशल बियरिंग खत्म होगा, विशिष्ट बियरिंग, अब हम लोग समझने वाले हैं टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 को अपने समझते हैं कि जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग। ठीक है, ये भी हमारी 4 प्रकार की होती है भाई, ये भी कम नहीं है, तो इनको हम लोग समझिए 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं, जनरल बियरिंग या फिर रेडियल बियरिंग को।
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग का फिगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए समझते हैं हम लोग क्या होता है। लिखा है जनरल बियरिंग या रेडियल साधारण बियरिंग, ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं, जब किसी शाफ्ट को बीच से पकड़ा जाए, ठीक है, जब किसी शाफ्ट को कहाँ से पकड़ा जाए, बीच से पकड़ा जाए या बीच में सहारा सहारा दिया जाए, तो उस जनरल बियरिंग, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जनरल बियरिंग कहते हैं। जनरल बियरिंग समझ में आया भाई, किसे कहते हैं, जब किसी शाफ्ट को बीच से पकड़ा जाए और बीच से ही क्या किया जाए भाई, सहारा दिया जाए। पहले यार देखो, बीच से पकड़ोगे तो बीच से सहारा दे ही रहे हो, जब कोई शाफ्ट रहेगा उसको बीच से पकड़ोगे या बीच से सहारा दोगे तो उसे हम जनरल बियरिंग करें, सामान्य बियरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाथ से पहुंचे को पकड़ना, ठीक है, हेड यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, इतना लिख लेना। जनरल बियरिंग हेडिंग डालना या रेडियल बियरिंग रेडियल साधारण बियरिंग आप हेडिंग डालना, उसमें लिख लेना इतना। जब किसी शाफ्ट को बीच से या फिर, ठीक है, उसको सहारा दिया जाता है तो उसे हम जनरल बियरिंग कहते हैं, जैसे हाथ से पहुंचे को पकड़ना, ठीक। तो चलिए, ये जनरल बियरिंग हमारा कई प्रकार का होता है, वन बाई वन करके हम लोग समझते हैं भाई। हमारा यहाँ पे देखिए पहला प्रकार है सिंपल सॉलिड बियरिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल सॉलिड बियरिंग होता क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको लिखा है यहाँ पे, यह जनरल बियरिंग की सबसे सामान्य अवस्था होती है भाई, सामान्य अवस्था होती है जनरल बियरिंग की, सिंपल सॉलिड बियरिंग, ठीक है, जो एक ठोस पिंड वृत्ताकार आकृति का एक आयताकार आधार के साथ होता है, ठीक है। यह, ठीक है, यह एक होल शाफ्ट के व्यास के बराबर इसके ऊपरी बेलनाकार भाग में बोर कर दिया जाता है, ठीक है। आयताकार आयताकार आधार में दो छिद्र, ठीक है, दो छिद्र होल ड्रिल किए जाते हैं जो उसमें बोल्ट डालकर बांधने के लिए होते हैं, और यह छिद्र ऊपरी भाग से शाफ्ट छिद्र तक दिया जाता है, जिसमें से स्नेहक तेल डालकर शाफ्ट तथा बियरिंग के मध्य घर्षण को कम किया जाता है। यह बियरिंग प्रायः कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक। इसका उपयोग दे रखा है, ठोस जनरल बियरिंग का प्रयोग धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भारी भरकम इतना चीज़ें नहीं लिखना है, आपको सिंपल, आपको पता है ये मेरे लिखवाने का तरीका है, आपको पॉइंट करके दो चार पॉइंट लिखवा दूंगा चीज़ें। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, मान लो कॉपी है आपका 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिए होगे तो आपको पता होगा कितना मोटा आपका कॉपी होता है और कितनी लंबाई का होता है, कितनी चौड़ाई का होता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो सिंपल आप लिखोगे, यह जनरल, ठीक है, जनरल बियरिंग की सबसे सामान्य अवस्था है जो एक ठोस पिंड वृत्ताकार आकृति का एक आयताकार आधार के साथ है, ठीक। पहला पॉइंट मत लिखो यार, सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, ठीक है, आप काट दो। आप लोग यहाँ से लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, यह बियरिंग प्राय कास्ट आयरन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, यह बियरिंग प्राय कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, और बता रहा हूं, सिंपल लिखना आपको, ज्यादा नहीं भाई, थ्योरेटिकल लगेंगे, एग्जाम आपका नजदीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं भी आपका इतना छपवा देता भाई, मैं आपका समय ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लिखना इसमें क्या है, आप लिखोगे सिंपल सॉलिड बियरिंग, ठीक है, सिंपल सॉलिड बियरिंग, ठीक है, सबसे सामान्य अवस्था है जो एक ठोस पिंड वृत्ताकार आकृति का एक आयताकार आधार के साथ है, ठीक है, बस इतना लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना यह बियरिंग पर आया कास्ट आयरन की बनी होती है, और उपयोग जो दिया ना उपयोग पूरा डाल देना इतना, ठीक है। तो आपका इतना लंबा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि जनरल बियरिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है भाई, ठीक है। तो फिगर भी इसका बहुत ही ईजी है, फिगर आप आराम से बना सकते हो फिगर को, ठीक है। तो आपको फिगर ऐसे करके, ठीक है, फिगर को आपको बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं फिगर में, ठीक है। तो आपको ऊपर से जो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ऐसे करके बना दोगे तो आपको नंबर, ठीक है, बहुत ही अच्छे खासे नंबर उठ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले, यहाँ पे जो हमारा जनरल बियरिंग है इसका हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। टिकला पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे बुश बियरिंग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि बुश बियरिंग भाई क्या होता है। देखिए भाई, वीडियो में बने रहो यार, वीडियो में बनना आपके लिए, आप ही का फायदा हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहोगे तो, और नहीं बने रहोगे तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुश बियरिंग को समझते हैं, यह भी ठोस जनरल बियरिंग ही है, लेकिन इसमें कुछ सुधार मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। बुश बियरिंग है, ये भी क्या होता है, यह भी ठोस जनरल बियरिंग ही होता है, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया है, सुधार किया गया है। इसमें एक बुश ब्रास या गन मेटल का बाण बना शाफ्ट के लिए बने होल में दबाव देकर लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। बुश का आंतरिक व्यास शाफ्ट के व्यास के बराबर होता है। बुश का पदार्थ धातु की शाफ्ट की अपेक्षा मुलायम होता है तथा शीघ्र घिसता है। जब बुश घिस जाता है, ठीक है, वर्न आउट, तो इसके नया लगाकर बदल देते हैं, इससे
बियरिंग की मुख्य बॉडी की सुरक्षा होती है। बियरिंग के आयताकार आधार को बोल्टों द्वारा मशीन या अन्य दृढ़ पिंड पर कस दिया जाता है। एक तेल छिद्र इसके ठीक है इसके ऊपरी भाग से बूस्ट तक बनाया जाता है, जिससे इसका स्नेहक होने के लिए ठीक है स्नेहक होने के लिए स्नेहक तेल डाला जाता है, स्नेहक तेल डाला जाता है। इनका प्रयोग ठोस जनरल बियरिंगों की अपेक्षा अधिक गति से चलने वाली शाफ्ट में किया जाता है। इनका उपयोग शाफ्ट के अंत तक ज़्यादातर किया जाता है। वे बियरिंग जिनमें चलते हुए भाग के तल पर रगड़ने के लिए बूस दूसरा तल प्रदान करता है, बूस बियरिंग कहलाता है। बूस एक भाग या दो भागों में होता है ठीक है। आपको सिंपल लिखना क्या है, सिंपल आपको बूस बियरिंग पहले हेडिंग डालना है ठीक है। पहले बूस बियरिंग आप हेडिंग डालो भाई ठीक है, मैं आप बूस बियरिंग के बारे में लिखवा रहा हूँ ठीक है। तब बूस बियरिंग आप हेडिंग डालने के बाद क्या लिखोगे उसमें ठीक है। मान लो आपका हेडिंग हो गया ठीक है, उसमें आप लिखोगे इन्वर्टेड कामा में वे बियरिंग, आपको टोटल यही लिख लेना है। वे बियरिंग जिनमें चलते हुए भाग के तल पर रगड़ने के लिए बूस दूसरा तल प्रदान करता है ठीक है, जिनमें चलते हुए भाग पर रगड़ने के लिए बूस दूसरा तल प्रदान करता है बूस बियरिंग कहलाता है। बूस एक भाग या दो भागों में होता है ठीक। आपको फिर पॉइंट करके लिखना है, पॉइंट करके क्या लिखना है इसमें, पॉइंट करके आपको लिखना है, आपको लिखना है बूस का आंतरिक व्यास शाफ्ट व्यास के बराबर होता है ठीक है। आपको एक पॉइंट लिखना है इसमें, बूस का आंतरिक व्यास शाफ्ट व्यास के बराबर होता है ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, बूस का पदार्थ हाथ की शाफ्ट की अपेक्षा मुलायम होता है ठीक। तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखो, इसका प्रयोग जनरल बियरिंग के अपेक्षा अधिक गति से चलने वाली शाफ्ट में किया जाता है। या फिर इसमें लिख देना या करके लिखना, या इनका उपयोग शाफ्ट के अंत पर ज्यादातर किया जाता है ठीक है। तो हम लोग समझ लिए भाई, यहाँ पे हम लोग बूस बियरिंग को समझ लिए हैं और बूस बियरिंग का यहाँ पे उपयोग करके हेडिंग भी है यार इसी में ठीक है। तो आप यहाँ पे उपयोग यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेना ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे पहला साधारण क्रिया एवं सरल मशीनों में शाफ्ट को टेकने के लिए बूस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है पहला। दूसरा बिजली के पंखों खिलौने आदि में शाफ्टों में टेकने के लिए बूस बियरिंग का। तीसरा सिरे पर गियर पहिया आदि लगाने वाले टेकनों के लिए ठीक है टेकने के लिए बूस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो इसमें तीन पॉइंट थे यहाँ पे ठीक है। आप आई होप आपको मैं जितना पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा नहीं थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। तो भाइयों आपसे एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है। और क्या करना है, वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो दो बार वीडियो को देखो तो चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी। एक बार समझो और लिखो तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ जाएगा तो उतना लिखना भी नहीं है, आप किसी ने पॉइंट करके लिखवाया जा रहा है ठीक है। आपको चीज़ों को बस समझते हुए चलना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगला है आपका खुली बियरिंग ठीक है। हम लोग जनरल बियरिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ठीक है, उसके उस कैटेगरी में आता है। तो हम लोग समझेंगे खुली बियरिंग क्या होता है, तो ओपन बियरिंग से बोला जाता है। तो इसको चलिए समझ लेते हैं। इस प्रकार की बियरिंग ऊपर की तरफ से खुली होती है, इसके अंदर आधा बेलनाकार बूस होता है, बियरिंग का आधार आयताकार होता है। बियरिंग को रोकने के लिए इसमें दो छिद्र होते हैं। इस बियरिंग की भी इस प्रकार की बियरिंगों का प्रयोग बहुत लंबी शाफ्टों तथा टेढ़ी मेढ़ी ठीक है जिग जैग शाफ्टों को सहारने में प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बियरिंग है भाई, खुली बियरिंग है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट करना है और चीज़ों को समझ लेना है ठीक है। यहाँ देखो खुली बियरिंग के बारे में लिखा है, इस प्रकार की बियरिंग ऊपर की तरफ से खुली होती है। देखो यहाँ पे ऊपर है ना, ये आपका बियरिंग है, बियरिंग का डायग्राम है, तो ऊपर की तरफ क्या खुला है ये बियरिंग ठीक है। इसके अंदर आधा बेलनाकार बूस होता है ठीक है, बेलनाकार आधा बेलनाकार बूस है ना, यहाँ पे आधा ये बूस होता है ठीक है। आधा बेलनाकार देखो हाफ बूस यहाँ पे लिखा है ठीक है। आधा बेलनाकार क्या होता है, बूस होता है। बियरिंग का आधार आयताकार होता है, आयताकार है या नहीं है इसका आधार आयताकार है ठीक है। तथा बियरिंग को रोकने के लिए इसमें दो छिद्र होते हैं ठीक है। बियरिंग को रोकने के लिए कौन कितने छिद्र होते हैं, दो छिद्र, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे, दो छिद्र होते हैं। इस प्रकार की बियरिंगों का प्रयोग बहुत लंबी शाफ्टों तथा टेढ़ी मेढ़ी शाफ्टों को सहारने में किया जाता है ठीक है। तो आपको आई होप आपको आप इजीली आपको ना बताया तभी लिख लोगे। इसे पहला पॉइंट करके लिखो, इस प्रकार की बियरिंग ऊपर की तरफ से खुली होती है ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके अंदर आधा बेलनाकार बूस लगा होता है। तीसरा पॉइंट लिखो, इसका आधार आयताकार होता है। चौथा पॉइंट लिखो, यहाँ पे इस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग बहुत लंबी शाफ्टों तथा टेढ़ी मेढ़ी शाफ्टों को सहारने में प्रयोग किया जाता है। और बाकी आपका फिगर दिख रहा है, फिगर आप बना लेना ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट और आखिरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉपिक का, यानी चौथे टॉपिक का चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा है, पेडस्टल बियरिंग या प्लम्प या प्लमर बियरिंग ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं पेडस्टल बियरिंग क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है आपका प्लमर ब्लॉक बियरिंग
विभक्तम, ठीक है। स्प्लिट प्रकार के जनरल बियरिंग हम इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं कौन कौन से, चलिए समझते हैं। एक ढरवा लोहे का ब्लॉक या बेस आधार के साथ पेडस्टल, यह बियरिंग की मुख्य बॉडी है। दूसरा आपका दो अर्ध वृत्ताकार गन मेटल के बने ब्रास, तीसरा एक कास्ट आयरन का कैप, और चौथा है हमारा डी मृदु इस्पात के वर्गाकार सिर यानी स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ठीक है। षटभुज यानी कि हेक्जानल हेक्जानल, ठीक है, आकार के लाख नट के दो सेट। इन बियरिंग को विभक्त प्रकार के बने होने के कारण शाफ्ट को बियरिंग से निकालने या बास की बदलने में आसानी होती है। तो आप पॉइंट करिए पहले ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको पेडस्टल बियरिंग हेडिंग डालना और सिंपली आपको यही लिख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये होगा आपका चैप्टर फिनिश, ठीक। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर आपका, चूंकि जो चैप्टर नंबर आपका जो 7 है, ठीक हो गया फिनिश। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। तो आपको बस चैनल पे बने रहना यार, देखो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एडिटिंग करो अपलोड करो, ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मेरा भी सेमेस्टर वाइज ही चल रहा है, मैं भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा यार। वीडियो को लाइक कर दो जिससे मोटिवेट मिलेगा कि यहाँ लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं मान रहा हूँ उतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं आपको अगले सेमेस्टर से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिए मतलब देने की कोशिश करूँगा आपको। और मैं साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूँ यार, यदि मुझसे कोई वीडियो में मिस्टेक हो रहा है, त्रुटियाँ हो रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में मैं आप उन सभी त्रुटियों को, ठीक है, सभी त्रुटियों को, ठीक है, ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि क्योंकि मैं भी सीख आपके, क्योंकि देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत सीख रहे हो तो मैं भी आपसे सीखूंगा, ठीक है। जो चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ तो आपके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यदि मेरी गलतियाँ पा रहे हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, मैं आप उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।